आज हूँ जुलाई 28 तारीख जोटा कि आम वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे हिसाब से सेलिब्रेट करूँ तेणु यही दिन में मुझे आज गोटे छोट वीडियो द्वारा आपन को हेपाटाइटिस विषय में अवेयरनेस करने जा प्रथम कह हेपाटाइटिस माने कौन हो हेपाटाइटिस माने हो लिवर डैमेज हुए इनफेक्शन हो फुली जाए जोटा को आम मेडिकल भाषा रे इनफ्लामेशन ऑफ द लिवर बोली कही था तो हेपाटाइटिस रे बहुत सारा कारण थाए ता भितर वायरल हेपाटाइटिस होची गोटे कारण अलग कारण भितर ड्रग हो पारे अल्कोहल हो पारे फैटी लिवर भी हो पारे मु वायरल हेपाटाइटिस होची एक इंपोर्टेंट कॉज ऑफ लिवर डैमेज करिथे आजिका दिन रे आम इंडिया रे नियरली 40 मिलियन लोक हेपाटाइटिस बी द्वारा अफेक्टेड होती आ 6 रु 10 मिलियन लोक हेपाटाइटिस सी द्वारा अफेक्टेड होती तेणु हेपाटाइटिस हूँ दुई प्रकार हेपाटाइटिस होता है गोटे हूँ आक्यूट हेपाटाइटिस आ गोटे हूँ क्रोनिक हेपाटाइटिस आक्यूट हेपाटाइटिस मान हूँ जार सिम्टम्स जो होता है जो जंडिस होता है यहाँ सांगे सांगे होता है आउ तार लक्षण गुड़िक जल्दी जल्दी होता है आउ पेसेंटा यूजुअली 6 मास भितर रिकवर कर जाए क्रोनिक हेपाटाइटिस हूँ जोटा आम धीरे 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 बॉडी को डैमेज करता है लंबा टाइम पर्यंत जाए डिटेक्ट वायरस डिटेक्ट हो न था आउ पेसेंट एंड स्टेज रे प्रेजेंट करते हैं आमर जो कॉमन वायरस अच्छी हेपाटाइटिस वायरस से हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई हेपाटाइटिस ए आउ ई मोस्टली आक्यूट वायरल हेपाटाइटिस करी थांदे बी मध्ये किछि मात्रा रे आक्यूट वायरल हेपाटाइटिस करी थांदे बट जो क्रोनिक वायरल हेपाटाइटिस हेता सेटा मोस्टली हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी करी थाए आमे देखिबा ए हेपाटाइटिस टा केमिति संक्रमण हेता है जो आक्यूट हेपाटाइटिस होता है जोटा ए ई द्वारा होता है सेटा मोस्टली आम जल जनित होता है जदि आपणकर जल पुअर हाइजीन अच्छी फूड्रे जलटा दूषित अच्छे से द्वारा ट्रांसमिशन होता है जोटा को मेडिकल भाषा में कही फिको ओराल ट्रांसमिशन होता है जो क्रोनिक हेपाटाइटिस जोटा कि हेपाटाइटिस बी आउ सी द्वारा होता है सेटा मोस्टली आम ब्लड बर्न होता है जोटा रक्त जनित ट्रांसमिशन बोली आम कही था तो रक्त जनित माने कौन आमर जो इंडिया रे बा ओडिसा रे हेपाटाइटिस बीटा मोस्ट कमनली होता है जोटा को मु फोकस करुचे जोटा गोटे प्रथम है मदर टू बेबी ट्रांसमिशन होता है जदि कोई गर्भवती महिला आम हेपाटाइटिस बी थाए तार छुआ को डेलीवरी समय यहाँ ट्रांसमिशन होता है प्रति वर्ष आम इंडिया रे नियरली 10 लाख्स चाइल्ड जोटा ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन द्वारा होता है तो अदर जो रास्ता गुड़िक है जोटा आम कहते अनसेफ निडिल प्रैक्टिस जदि आम गोटे निडिल को बारंबार यूज करुचे किंबा आम अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करुचे कि जोटा कि बैरियर यूज न करके किंबा आम टाटुईंग करुचे जे गोटे कमन निडिल रे मल्टीपल लोक टाटुईंग करुचंदे किंबा आम जो ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छे जो मैंने नोज प्रिकिंग करते इयर प्रिकिंग करते गोटे कमन निडिल यूज करके हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी ट्रांसमिशन होता है आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस जो मैंने हाई रिस्क था कतेटा डिजीज है जो मैं बारंबार डायलिसिस दरकार पड़े बारंबार ब्लड दरकार पड़े से ब्लड थ्रू रे हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी टा ट्रांसमिशन होता बट करेंटली आमर जिते सब ब्लड बैंक अच्छे तरह डेजिग्नेटेड ब्लड बैंक जो आम ये जिनसटा प्रिभेन्ट कर तापर जी देखा लक्षण हेपाटाइटिस लक्षण कौन होता है मोस्टली जोटा मुझे कहली आक्यूट हेपाटाइटिस जोटा को हेपाटाइटिस ए आउ ए द्वारा होता है तार लक्षण अचानक हिसाब से आसी था जल्दी जल्दी आसी था तो मेनली पेसेंट को कौन होता है देह दरज लगुता है ज्वर ज्वर लगे बांति बांति लगे किंबा पेटरे राइट साइड पेटरे टिके टिके हल्का हल्का करके दरज हुए यूजुअली 90 to 95% ऑफ आक्यूट वायरल हेपाटाइटिस जो होता है से माने आपे आपे ये लक्षण धीरे धीरे करके भल होता है बहुत रेयरली 2 to 3% केसेस रे से पेसेंट माने लिवर फेल्युअर को जानते जोटा कि पेसेंट कन्फ्यूजन होता है बेहोशी हालत को जाए सेकेंड है क्रोनिक हेपाटाइटिस लक्षण मुझे जो कहली क्रोनिक हेपाटाइटिस गोटे साइलेंट किलर तार यूजुअली लक्षण न था जल्दी जना पड़े नहीं धीरे 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 जाए कि लॉन्ग टर्म एंड स्टेज लिवर को जाए लिवर को सिरोसिस कर दिए सिरोसिस माने लिवरटा आमर फाइब्रोसिस है कि सुकुट जाए जोटा छोटो ही जाए हार्ड ही जाए तो द्वारा तार सब कॉम्प्लिकेशन होता है पेटरे पानी जमीबा रक्तबांति होबा कला झाड़ा होबा पेसेंट बेहोशी होबा कन्फ्यूजन होबा ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं कि प्रेजेंट करी था है सब गुड़िक है आमर हेपाटाइटिस लक्षण तेणु आपण को जितने ये सब लक्षण गुड़िक आपण को कौन करार अच्छे ट्रीटमेंट कौन देवार अच्छे प्रथम कथा है आक्यूट वायरल हेपाटाइटिस यूजुअली मुझे जमी कहली 90 to 95% आपे आपे यहाँ भल हो जाए तो से लगी आमको
धैर्य धरिबार अछि। मोस्टली से जो हेपाटाइटिस हेला पर लोक माने कोन करंती जे कि बाहर अल्टरनेटिव मेडिसिन खांती चेरमूली खांती बा जो ओवर द काउंटर ली 52 मिलता से सब खांती मु जानिनी से थरे केते बेनिफिट होचे बट सेटा हमर लिवर को अधिक डैमेज करिथाय। किंतु मोर एया मेसेज होचे यदि आपन को जॉन्डिस हे छि बा हेपाटाइटिस से ए सब जिंस नबा दरकार नै। बहुत सारा लोक कौन करती डाइट को रेस्ट्रिक्शन कर दिखते बहुत सारा लोक सीझा संतरा खाते कि आक्यूट भाइराल हेपाटाइटिस पेसेंट मान को न्यूट्रिशन हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। बहुत एनर्जी दरकार पड़े तेनालीरु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस बहुत सारा हाइड्रेसन दरकार बहुत पा पीवा दरकार आडेक्वेट खाइबा खाइबा दरकार तेणु एम को कौन प्रकार खाइबार रेस्ट्रिक्शन न थाए सेटा है आक्यूट हेपाटाइटिस ट्रीटमेंट पार्ट। जदि आप देखिले आपण बहुत बांती होची बा बहुत दरज होची बा पेशेंट कन्फ्यूजन आड़क जाऊँगी तो आप डॉक्टर को परामर्श करके से कंडीशन में आम पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करने को पड़ता है और से अनुसार ट्रीटमेंट करने को पड़ता है। जो क्रोनिक हेपाटाइटिस है जोटा मुझे कहली साइलेंट किलर बोली आमर हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी करेन्ट टाइम आमर बहुत आडभांस ड्रग बाहरी जोटा कि हेपाटाइटिस सी जो अच्छी आमर नियरली 6 मिलियन लोक करेन्टली अफेक्टेड अच्छा तापी एबे बहुत आडभांस ड्रग आसी जोटा को आम 3 मास रु 6 मास ट्रीटमेंट देला नियरली 99% लोक से भल हो जाते आई सब ड्रग भी आजिकल गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल अच्छे। सेकेंड जिनस हेपाटाइटिस बी तो हेपाटाइटिस बी रेल आमको डिटेक्ट हुए जदि कौन कारण डिटेक्शन है आईदर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूर्व डिटेक्ट है प्रेग्नेंसी बेले टेस्ट करके डिटेक्टेड है तो से कंडीशन में कौन करेंगे आप डॉक्टर को परामर्श करवा दरकार। डॉक्टर से समय आपंकर वायरस लोड चेक करे वायरस मात्रा चेक करे नियरली 70% लोक मानक ट्रीटमेंट दरकार पड़ न था जोटा को आम कहूँ कि कैरियर स्टेट बाकी लो रिप्लिकेटिव स्टेट से वायरस मात्रा कम अच्छी तो से पेसेंट मानक कौन करवाक पड़े ना प्रति 6 मास डॉक्टर मानक फॉलोअप करती करवाक पड़े। बहुत सारा लोक कौन करती भावती कि आम डिटेक्ट तो होगा मेडिसिन दरकार नहीं लस टू फॉलोअप हो जाती से डॉक्टर को फॉलोअप रहती ना तेणु से सब जिनस मोर मेसेज हो आपंकर डॉक्टर एडवाइस कर 6 मंथ में फॉलोअप करवाकटा करवा दरकार। आउ गोटे कौन जो ग्रुप ऑफ पेशेंट रहले जो मान को मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करी से माने किछि दिन नौछन्ती पुनी बंद कर दोछन्ती तेणु बिना डॉक्टर परामर्श रे हेपाटाइटिस बी रो मेडिसिन बंद करबा कथा नुहे काई ना अमर कहा जाए कि जदि मेडिसिन ता आपण 6 रु 7 दिन भी बंद कर दोछन्ती से कंडीशन रे से वायरस ता रीएक्टिवेशन हे कि थरे लिवर को डैमेज करि पारे। ए जो हेपाटाइटिस रा जदि आपण ट्रीटमेंट कलेनी तार किछटा कॉम्प्लिकेशन हेथाय मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन रही था क्रोनिक हेपाटाइटिस रही था मुझे जमी कहली जब आप हेपाटाइटिस बी आउ सी को ट्रीट कले ना तो सी ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स टू 20 इयर्स जाकि आप लिवर सिरोसिस कर पेट में पा जमे कैंसर कर बेहोशी कर सब जिनस कर। आक्यूट हेपाटाइटिस जमी कहली कि यूजुअली 90-95% लोक भल हो जाते कितु केतेटा आम स्पेशल ग्रुप अच्छा जमी प्रेगनेंट लेडी हेले तो प्रेगनेंट लेडी जो हेपाटाइटिस होता है आक्यूट वायरल हेपाटाइटिस होता है से मानकर रिक्स 10 टाइम बढ़ी जाए नॉर्मल पॉपुलेशन हिसाब से कि लिवर फेल्युअर हाँपाई तेणु जो भी प्रेग्नेंट लेडी कि आक्यूट हेपाटाइटिस वायरल हेपाटाइटिस से अणदेखा न करी तुरंत डॉक्टर को परामर्श करने दरकार। एवं मुझे कहूँ प्रिभेन्शन तो प्रिभेन्शन कहा जाए कि प्रिभेन्शन इज बेटर देन क्योर। आम आक्यूट वायरल हेपाटाइटिस जेहेतु यहाँ मेनली जलजनित संक्रमित होता है यटा को आम नियरली प्रिभेन्ट करमें पानी हाइजीन भल रहा खाइबार हाइजीन भल रहा खाइबा पूर्व हाथ भल खाइले तेल यही कंडीशन टाक आम प्रिभेन्ट कर। जो क्रोनिक हेपाटाइटिस रहा हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी प्रिभेन्शन मुझे कहली कि मदर टू बेबी ट्रांसमिशन होता है तेणु सब आज गवर्नमेंट नियम अनुसार सब प्रेग्नेंट लेडी मानक हेपाटाइटिस बी टेस्ट करा जाए जदि तांकर हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव आसता तो से कंडीशन रे तांकर 32-44 वीक्स रे वायरस लोड चेक करा जाए तो जदि वायरस लोड बहुत अधिक थाए तांको डॉक्टर गोटे मेडिसिन एडवाइस करिथाए। जेतले छुआ डिलीवरी हेइथा से कंडीशन रे आमको छुआ मानको विदिन 48 आवर्स भितरे वैक्सीनेशन भी करा जायथाए आउ तांको एंटीबॉडी जोटा आमे कहूचे इम्युनोग्लोबुलिन बोले आमे देइथाउ तो एथरे कले आमे नियरली जो न्यूबॉर्न बेबी माने हेपाटाइटिस द्वारा संक्रमित होता है प्रिभेन्ट करवा। सेकेंडली आमर जो
सेक्सुअल प्रैक्टिस करुचे बा सेथरे हमें सेफ सेक्स प्रैक्टिस करिबाटा बेटर जो नीडिल यूज करुचे बा टैटूइंग यूज करुचे सेथरे हमरा पर्सनल नीडिल हबा दरकार तो ए सब कंडीशन कले हमें एटा को प्रिवेंट करि परिबा आउ केतरा जिनस हम कहिया को टेक होम मेसेज देबा को जाउचे जोटा कहले जो क्रोनिक हेपेटाइटिस हैला तो तीन टा इंपोर्टेंट जिनस करियार अछि गोटे हैला आमको वैक्सीनेट करिवार अछि टू बी वैक्सीनेटेड आमको टेस्ट करिवार अछि आ जदि टेस्ट रे पॉजिटिव आसला ताको हम अर्ली ट्रीटमेंट करिवार अछि तेन टू बी वैक्सीनेटेड टू बी टेस्टेड एंड टू बी ट्रीटेड सो दैट इज द की मेसेज आज ए वीडियो द्वारा हम देबा को चाहू छी। नेक्स्ट थिंग हैला केतरा हमर सोशल स्टिग्मा थाए सोशल स्टिग्मा हैला जे हमर जो हेपेटाइटिस बी को फैमिली मेंबर को हैला तो से बहुत सारा लोक पचारती कि सी आम सहित रही पार कि ना आम सहित खाइबा खाइबा पार ना एसबू में किसी असुविधा ना तेणु से ही कमन जो हेपाटाइटिस बी पेसेंट अच्छे सी सेम रूम रहीपर सेम किचेन खाईपर कितु सी जो कमन निडिल यूज करेंग किट यूज कर सी जो तार बॉडी फ्लूइड हो ब्लड हो सहीटा आउ का द्वारा कंटामिनेसन हवा दरकार ना किसी लोक पचारती जार हेपाटाइटिस बी अच्छी सी मैरेज करपर कि ना सी निहाती मैरेज करपर तार जी पार्टनर अच्छे सी वैक्सीनेटेड हवा दरकार से छुआ करें से समय मदर प्रेगनेंस समय टेस्टिंग हवा दरकार छुआ वैक्सीनेटेड हवा दरकार आउ गोटे जिनस कमन जो मैंने हाई रिस्क ग्रुप रहा जमी हेपाटाइटिस बी एक्सपोजर हबार थाए हेल्थ केयर वर्कर हूँ तो से अलग लोक मेक्षा रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टी अधिक थाए तो से यूजुअली कौन हवा दरकार जितेबले जॉइन करुछन्ति जॉब रे से मानकर हेपाटाइटिस चेकअप हवा दरकार तांकर एंटीबॉडी भी मध्य चेकअप करिवा दरकार जदि से मानकर एंटीबॉडी जोटा कहंती 10 रु कम थाए ताल से मानको इम्यून वैक्सीनेटेड आउ थरे करिवा को पड़े तेणु आज ए जो हेपाटाइटिस डे रे मु ए मेसेज देबा को चाहू छी कि आम एक्यूट वायरल हेपाटाइटिस को निजर अवेयरनेस रे आम कंप्लीटली प्रिवेंट करि परबा क्रोनिक हेपाटाइटिस को आमे वैक्सीनेट करी आर्ली टेस्ट करी ट्रीटमेंट करी तार कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करी परिवा। नमस्कार।